हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बॉक्स मल्टीमीडिया एडवांस प्रोजेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बॉक्स प्रोजेक्टर एवी कनेक्टर फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल और डीसी अडेप्टर। अभी मैं आपको इसके सारे पोर्ट्स और अटैचमेंट्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपका एसडी कार्ड स्लॉट, इसमें आप एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और आप इसमें म्यूजिक, फोटोज और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। कौन है शादी? यह एवी पोर्ट, इस एवी पोर्ट का यूज थ्रू आप इस एवी कनेक्टर के इसमें आप इसको इंसर्ट करके दूसरा पोर्ट आप डीवीडी या सेटअप बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं और आप बड़ी स्क्रीन पे वीडियो एंजॉय कर पाएंगे या म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आप इमेजेस देख सकते हैं। यह यूएसबी पोर्ट, इसमें आप यूएसबी इंसर्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव या कोई भी दूसरा स्टोरेज डिवाइस। अगेन आप इसमें कोई भी MP3 सॉन्ग्स, वीडियोस या फोटोज थ्रू यूएसबी आप देख पाएंगे या सुन पाएंगे। यह वीजीए पोर्ट का यूज आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। उसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन के लिए या फिर मूवी या वीडियो देखने के लिए भी आपको काम में आ जाएगा वीजीए पोर्ट। बट वीजीए पोर्ट के लिए आपको वीजीए कनेक्टर की ज़रूरत है। वीजीए कनेक्टर आपको इस पैकेज के साथ में इंक्लूड नहीं है। डीसी इनपुट में इस एडेप्टर का यूज पावर सोर्स के लिए किया जाएगा। यह आपको इस तरह से कनेक्ट करना है और ये आपके घर के मेंस में चला जाएगा, मेंस पोर्ट में। अभी मैं आपको इसके फोकस और इसके जो बटन्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपकी फोकस लेंस है। अगर आपको स्क्रीन साइज अगर बड़ी करनी है तो आपको मिनिमम 3 मीटर तक का डिस्टेंस रखना है। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज के लिए आपको फोकस एडजस्ट करना है। अगेन अगर आपको आपकी स्क्रीन साइज अगर बड़ी करनी है तो दीवार या कोई भी स्क्रीन और प्रोजेक्टर के बीच का जो अंतर होगा उसे आपको बढ़ाना है और इस फोकस को एडजस्ट करना है सो आपको और शार्प और बेटर क्वालिटी पिक्चर मिले। इसके लिए इस प्रोजेक्टर के ऊपर कुछ बटन्स है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह एंटर बटन सेलेक्शन के लिए है, यह है लेफ्ट एंड राइट एडजस्टमेंट बटन्स, इनपुट बटन मतलब सोर्स सेलेक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एसडी कार्ड का स्लॉट, एवी स्लॉट, यूएसबी या वीजीए कनेक्शन है। इस इनपुट बटन के थ्रू प्रेस करते करते आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप बटन, कैंसिलेशन बटन या बैक बटन इसे कह सकते हैं। यह है पावर ऑन ऑफ बटन, इसके थ्रू आप आपका प्रोजेक्टर पावर ऑन और पावर ऑफ दोनों कर सकते हैं। इसमें और एक फंक्शन दिया है, यह है वॉल सीलिंग हैंग माउंटिंग ऑप्शन। इसके थ्रू आपको अगर किसी भी प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस रूम में अगर इसे माउंट करना है तो उस ब्रैकेट के थ्रू आप इसे इस तरह से उल्टा माउंट कर सकते हैं। ओके, इसमें और एक है, जब भी आप इसे वॉल माउंट करेंगे इस रिमोट के ऊपर एक बटन दिया गया है टर्न। ये टर्न बटन आपको प्रेस करना है तभी उल्टी स्क्रीन सीधी हो जाएगी। इस प्रोजेक्टर में और भी कुछ कस्टमर्स रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी आती है, फॉर एग्जांपल कस्टमर कहते हैं ये ऑन नहीं होता है, खाली लाइट ब्लिंक हो रही है, तो आपको जब भी आप इस प्रोजेक्टर को एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट करोगे, जब भी आपका ये मेन घर के पावर प्लग में जाएगा आपको खाली बटन ऑन करना है तभी ये ऑटोमेटिकली जो लाइट है यहाँ पे LED इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगी 2 or 3 times। LED
इंडिकेटर ब्लिंक करने के बाद आपका प्रोजेक्टर लाइट फोकस नहीं करेगा। उसके बाद में अगेन आपको जो पावर स्विच ऑन का बटन है ये आपको एक बार प्रेस करना है, तभी जाके आपका प्रोजेक्टर लाइट फोकस करेगा। बहुत सारे कस्टमर्स का ये भी सवाल होता है कि प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है। पिक्चर क्वालिटी सही ना होने का कारण एक ही है कि आपका फोकस एडजस्टमेंट आपने सही से किया नहीं है, मतलब आपका डिस्टेंस और फोकस एडजस्टमेंट इसका तालमेल सही नहीं है, तो वो आपको एडजस्ट करना है। कई बार कस्टमर्स बोलते हैं कि प्रोजेक्टर और रिमोट काम नहीं कर रहा है। प्रोजेक्टर और रिमोट के बीच का अंतर जो है मिनिमम 3 मीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। 3 मीटर के अंतर पे यहाँ पे जो इंफ्रारेड का एक IR इंफ्रारेड दिया हुआ है वो और इस रिमोट के अंतर जो है वो 3 मीटर आपको कैसे भी करके रखना ही रखना है, अदरवाइज आपका रिमोट काम नहीं कर पाएगा।